बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आपस में ही भिड़ गए हैं। अपने तीखे बयानों से तालियां बटोरने वाले धीरेंद्र शास्त्री को अब हिंदू धर्म गुरु ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए दोनों संत अब हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक दूसरे की बातों को काटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेंद्र शास्त्री के दिवाली में फटाका फोड़कर सबको ठिकाने लगाने वाले बयान पर जो प्रतिक्रिया दी है वो देखने लायक है। फटाका फोड़ने के पीछे और कोई कारण नहीं था। जब तौकीर रजा साहब हैं कोई, उन्होंने जब ये बयान दिया कि दीपावली पर प्रदूषण होता है और पटाखे बंद हो, तब हमने उनको ज्ञान दिया था कि हमारा धर्म, हमारा भारत, हमारी दीपावली, हमारे राम, एक ही दिन पटाखे क्यों बंद हो? 1 जनवरी को भी फोड़े जाते हैं, 25 तारीख को भी क्रिसमस डे के दिन फोड़े जाते हैं। कुछ बॉलीवुड वाले ज्ञान दे रहे थे कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, उनकी खुद की पिक्चरें जब रिलीज होती है तो पटाखे फोड़े जाते हैं। तो हमने इनको ज्ञान दिया था कि अगर नियम लागू हो तो सब पे लागू, बकरीद भी तो खुलेआम होती है, उस पर भी तो रोक लगे, इसलिए हमने उनको ठिकाने लगाया था। तो ठिकाने लगाया तो समझे, अरे खूब पटाखे फोड़े साहब हम। श्री राम श्री राम श्री राम। इसका आशय सर, अब उन्हीं से पूछो। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनकी व्याख्या करने के लिए उस तरह का शास्त्र पढ़ना पड़ता है, हमने वो वाले शास्त्र पढ़े नहीं है। शंकराचार्य की इस प्रतिक्रिया को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। उनकी इस प्रतिक्रिया से ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो धीरेंद्र शास्त्री के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेकिन इसके बाद जब शंकराचार्य से पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर जवाब मांगा गया तो ये भिड़ंत सतह पर आ गई। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री ने अपने छत्तीसगढ़ के दौरे पर कहा था कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। इस पर शंकराचार्य से जब सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बने लेकिन उसमें हिंदू धर्म होगा या नहीं, जिसके जीवन में हिंदू धर्म होगा वो अपने आप में राष्ट्र होगा, हिंदू हिंदू कहने से क्या हो जाएगा। सुनिए उनका ये पूरा बयान। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए लेकिन उसमें हिंदू धर्म होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है ना। अगर हिंदू धर्म नहीं होगा तो हिंदू हिंदू कह देने से क्या हो जाएगा हिंदू का। हमारा ये कहना है कि हिंदू धर्म को पहले समझो, जिस व्यक्ति के जीवन में हिंदू धर्म होगा वो अपने आप में राष्ट्र है। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बातों से ये तो साफ है कि वो बागेश्वर बाबा के बयानों से बिल्कुल भी वास्ता नहीं रखते, लेकिन देखना होगा कि धीरेंद्र शास्त्री इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तब तक आप हमें कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर आप किसकी बातों से सहमत हैं और किसकी नहीं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए IBC24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।